देश की सुरक्षा और झारखंड के चुनाव का क्या लेन देन? मुझे बताओ झारखंड वालों, मेरे युवा साथी बताएं, देश सुरक्षित रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? ये कहते हैं झारखंड की जनता और देश की सीमाओं का क्या लेन देन? राहुल बाबा, ये झारखंड के वीर युवाओं ने ही देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए अपने जान की बाजी लगाई है। परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र से इस झारखंड की वीर माताओं के घर सजे हुए हैं। आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा मित्रों, 10-10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, केंद्र के अंदर हर रोज पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। मगर ये मौनी बाबा मनमोहन सिंह के मुंह से उफ नहीं निकलता था, उफ नहीं बोलते थे। उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता था, वोट बैंक चली जाएगी, वोट बैंक चली जाएगी। मित्रों, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी और पुलवामा में पाकिस्तान के प्रेरित आतंकवादियों ने हमला किया, उनको लगा कि अभी भी कांग्रेस की सरकार है। वो भूल गए कि अब मौनी बाबा प्रधानमंत्री नहीं है, 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी ने 10 ही दिन के अंदर सेना और वायुसेना को हुक्म किया सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के फुर्चे उड़ाकर हमारी सेना वापिस आई। मित्रों, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने पूरी दुनिया का देश को देखने का नजरिया बदल दिया। पूरी दुनिया आज मानती है कि भारत की सीमाओं के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती, भारत के सैनिकों के जान रास्ते में नहीं पड़े हैं, अगर इसके साथ कोई छेड़खानी करेगा तो उसको नरेंद्र मोदी सरकार सीधा करने का काम करेगी, सीधा करने का काम करेगी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है, और इसीलिए देश में विकास की गंगा बह रही है। मित्रों, अभी अभी पार्लियामेंट के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमने पारित किया, बहुत सारी भ्रांतियां विपक्ष फैला रहा है, ये कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी, ये टीएमसी लोगों में भ्रांतियां फैला रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं सिटीजनशिप एक्ट क्या है। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो माइनॉरिटी के लोग हिंदू सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी जो यहां आए थे अपना धर्म अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत संभालने के लिए यहां आए थे उनको नागरिकता देने का फैसला नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी, आप मुझे बताओ ये सारे गरीब दुख के मारों को नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? इसमें भी ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मैं सबको कहना चाहता हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की नागरिकता छीनने का काम नहीं कर रहा है, वो नागरिकता देने का काम कर रहा है, वो गरीब दुखियारे लोगों को नागरिकता देने का काम कर रहा है। मित्रों, आज इस मंच से मैं विद्यार्थियों को भी अपील करना चाहता हूं कि आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का अभ्यास करिए, इसमें किसी की भी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी और टीएमसी आपको गुमराह कर रहे हैं और देश के अंदर हिंसा का वातावरण पैदा कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी और टीएमसी को और आप पार्टी को भी कहना चाहता हूं कि कृपया ये रास्ते से वापिस आ जाइए, ये रास्ता किसी का भला नहीं करता है। और युवा को भी कहना चाहता हूं ये एक्ट का आप
अभ्यास करिए, इसमें किसी की भी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान कतई कहीं पर भी नहीं है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया, देश के अंदर विकास को आगे बढ़ाया है, देश के अंदर जन भावनाओं का सम्मान किया है और झारखंड को विकास की पटरी पर चढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, आप मुझे बताओ, आपको विकास के रास्ते पर चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए या नक्सलवाद को पनपाने वाली कांग्रेस और झामुमो की सरकार चाहिए? जरा बताइए किसकी चाहिए। आप सब 20 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो, दबाएंगे? हमारे प्रत्याशी आगे आइए, गजाधर सिंह जी, हमारे प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे, रघुवर जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत बनाएंगे, देश को सुरक्षित करेंगे, कश्मीर की रक्षा करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय का संकल्प करिए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।